बिगड़ने पर पंकज मिश्रा रिम्स में भर्ती करवाए गए हैं। न्यू ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रिम्स लाया गया है। बरहेट के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। 19 जुलाई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 1 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर है पंकज मिश्रा। और इसी कड़ी में जानकारी ये कि पंकज मिश्रा की तबीयत अचानक से बिगड़ी है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही उन्हें घबराहट हो रही है और कई तरह की दूसरी समस्याएं भी इस वक्त पंकज मिश्रा को है और इसी वजह से उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। तबीयत उनकी बिगड़ी अचानक से और इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें रिम्स के न्यू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज शुरू किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था और अब 1 अगस्त तक के रिमांड पर थे वो, लेकिन इसी बीच पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, पंकज मिश्रा को न्यू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया इलाज के लिए, क्या स्थिति उनकी फिलहाल? सत्यव्रत आवाज पहुंच रही है? हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण से जुड़ने की हम कोशिश करें, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि 1 अगस्त तक के लिए ईडी के रिमांड पर हैं पंकज मिश्रा और बरहेट के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, जिसमें ईडी की ओर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो अवैध खनन साहिबगंज इलाके में होता है उसको लेकर उनसे पूछताछ हो रही है और इस दौरान उनके सहयोगियों के पास से बहुत सारा कैश भी मिला था। और सत्यव्रत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, फिलहाल क्या स्थिति है पंकज मिश्रा की? इलाज चल रहा है या फिर भर्ती ले लिया गया है? और देखिए हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दें कि इससे पहले ईडी की एक बहुत बड़ी टीम साहिबगंज पहुंची थी और वहां पर कई लोगों के यहां छापेमारी हुई थी, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे और साथ ही साथ करोड़ों रुपए कैश भी बरामद हुए थे इनके सहयोगियों के पास से। और ऐसे में पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया ताकि बाकी लोगों से जुड़ी जानकारी वो दे पाए जो इनके सहयोगी रहे हैं तथाकथित तौर पे। और इसी कड़ी में देखिए हम आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, हमारे साथ वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सत्यव्रत, फिलहाल क्या स्थिति है पंकज मिश्रा की? क्या सामान्य तरीके से उनका इलाज हो गया या फिर भर्ती करने की नौबत आ गई है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि जो बरहेट के विधायक प्रतिनिधि है यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उन्हें फिलहाल रिम्स लाया गया है। काफी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो पंकज मिश्रा को रिम्स लाया गया है। ईडी के जो कुछ लोग थे अधिकारी थे वो मौजूद है और फिलहाल रिम्स का जो ट्रामा सेंटर है वहाँ उसका इलाज चल रहा है। कई तरह के जो महत्वपूर्ण ब्लड संबंधित जो सैंपल है वो भेजे गए हैं जांच के लिए, लेकिन अब तक क्या बीमारी रही, किस कारण से पंकज मिश्रा आया है ये ना ही ईडी के लोग बता रहे हैं और ना ही अब तक रिम्स प्रबंधन के द्वारा इस बात की जो है वो जानकारी दी गई है। आपको पता है पंकज की करीब 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को जो है वो ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था, लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी और 1 अगस्त तक जो है वो पंकज मिश्रा को जो है वो रिमांड पर लिया गया है ईडी के द्वारा। और क्या कुछ समस्या हुई है स्वास्थ्य संबंधित इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन कई तरह के जो ब्लड संबंधित सैंपल है वो भेजे गए हैं जांच के लिए। डॉक्टरों ने बताया कि पंकज मिश्रा पूर्व से जो है वो कई तरह की बीमारियों से भी शायद उन्हें रही है, तो फिलहाल अभी उनके स्वास्थ्य की क्या कुछ कंडीशन है या जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा पंकज। तो सत्यव्रत, जब ईडी के रिमांड पर हैं पंकज मिश्रा तो जो दवाइयां वो आमतौर पर कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ में कुछ बीमारियां उनके पास है, क्या वो दवाइयां वो रेगुलर ले पा रहे थे या फिर वो छूट गई थी इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है? फिलहाल
अस्पताल या कस्टडी में रहने के बाद भी जो है वो दवाइयों लेने दवाई जो है वो कोई भी मरीज ले सकता है, वो उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आपको पता है कि हाल के दिनों में जिस तरह से पंकज मिश्रा से पूछताछ चल रही है, जिस तरह से ईडी का जो शिकंजा है वो पंकज मिश्रा पर कसा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से काफी तनाव में है पंकज मिश्रा, और शायद यही कारण है कि शायद उनके स्वास्थ्य संबंधित कोई गिरावट हुई है। क्योंकि जब रिम्स के ट्रॉमा सेंटर पंकज मिश्रा को लाया गया था उस समय ईडी के काफी जो लोग हैं वो मौजूद थे, और काफी जो है वो मैंने छुपे तरीके से उन्हें लाया गया, किसी को इस बात की जानकारी नहीं हुई थी कि आखिर पंकज मिश्रा को क्या समस्या हुई है। फिलहाल रिम्स के जो ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केयर डॉक्टर है वो उनकी देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि पंकज मिश्रा भी पहले कई तरह की बीमारियां उन्हें रह चुकी है, जो सामान्य बीमारियां होती है, हो सकता है कि उस बीमारियों में कुछ उतार चढ़ाव हुआ हो, शायद इसलिए पंकज मिश्रा को जो है वो रिम्स लाया गया है। फिलहाल उनके ब्लड संबंधित कई सैंपल जो है वो इकट्ठा कर लिए गए हैं और उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद यह पता चल सकेगा कि आखिर क्या समस्या उत्पन्न हुई थी पंकज मिश्रा को, जिसके बाद जो है वो ईडी की टीम उसे लेकर जो है वो रिम्स पहुंची है। फिलहाल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कड़ी सुरक्षा जो है वो कर दी गई है, ईडी के जो अधिकारी है वो मौजूद है, दर्जन भर से ज्यादा जो पुलिस के जवान है उनकी तैनाती कर दी गई है। क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल पंकज मिश्रा जो है वो ईडी के गिरफ्त में है और 1 अगस्त तक रिमांड पर है। लगातार जो ईडी है वो उनसे कई तरह की पूछताछ कर रही है, कई तरह की जानकारियां ले रही है, और हो सकता है कि ईडी के गिरफ्त में रहने के कारण मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुके होंगे पंकज मिश्रा, और शायद यही कारण है कि उन्हें रिम्स लाया गया है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत। तो जाहिर सी बात है जिस तनाव में जिस दबाव में होंगे पंकज मिश्रा तो कई दूसरी समस्याएं अपने आप वो शारीरिक परिवर्तन होने की वजह से होने लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत। तो फिलहाल ट्रॉमा सेंटर लाया गया है और इलाज उनका चल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।